हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारे यहाँ पर ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, तो ये चौक हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से पूरी जो फिल्टर है वो अंदर जा नहीं पा रहा है। देखो, देख सकते हो। और अब इसका क्या करना होगा, तब जाकर ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब कि ये फिल्टर इतनी बुरी तरह से चोक हो चुका है। और कई सारे फिल्टर तो ऐसे मतलब कि टूट भी जाते हैं, नीचे से फट जाते हैं और उसके अंदर से ऑयल चला जाता है। फिर तो ये फटा नहीं है, मतलब इसे टाइम से हमने चेक कर लिया है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ करने लगा था ये, इसी वजह से हमने इसको खोल दिया है। और इसका चेक करके हम देख सकते हैं कि ये बुरी तरह से मतलब चौक हो चुका है। इसको एक ही तरीका है इसका कि इसको चेंज करने में ही हमारा फ़ायदा होता है। हम अगर इसे चेंज नहीं करते हैं तो ये बाद में और भी दिक्कत करेगा। हम जैसे इसको हवा वगैरह लगा भी देंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो मैं फ़िलहाल अभी इसका कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो एमरजेंसी के अंदर मुझे ये वापस लगाना ही पड़ेगा। और जब बाद में शाम को या कल लेके आएंगे तो वो लगाएंगे नया। फिलहाल इसको हवा लगा कर भी हम लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये चेंज करने में फ़ायदा होगा, ठीक है? तो कभी भी अगर आपका फिल्टर भी ख़राब हो जाता है तो आपको चेंज कर लेना है, ना कि उसे हवा लगा कर वापस लगाना है। हवा लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। ये यहाँ से 13 नंबर का बोल्ट खोलने है। और दोस्तों मेरी मशीन जो है, या ये हाइड्रोलिक फिल्टर जो है, ये हाइड्रोलिक फिल्टर चौक हो चुका है बुरी तरह से। तो ये आपको पता कैसे पड़ेगा कि हाइड्रोलिक फिल्टर चौक हुआ है? तो मशीन आवाज़ करने लगती है। और दूसरा एक ऐसा भी होता है कि हाइड्रोलिक फिल्टर चौक होके पता भी नहीं चलता और ये फट भी जाता है। यहाँ से ये फट जाता है और ऑयल सीधा चलने लगता है, डायरेक्ट चलने लगता है। तो इसका मेन काम तो यही होता है कि अगर कोई इशू होता है मशीन में कहीं पर भी, तो उसका जो जितना भी कचरा है वो यहाँ पर ही इकट्ठा कर लेता है, नीचे पंप के अंदर नहीं जाने देता है। तो इसका हम अभी क्या सॉल्यूशन है इसको, अभी हम इमरजेंसी के अंदर आप इसको क्या करेंगे, इसको हवा लगा कर फिट कर सकते हैं। तो मैं इसको दो दिन से आवाज़ कर रही थी, तो टाइम मिला आज, तो मैंने इसको खोल लिया। अभी जा रहा हूँ मैं हवा लगवाने के लिए और फिर बाद में आके देखता हूँ। और जब भी इसको खोलते हैं वो, तो इसको वापस थोड़ा सा ढक देना है, कोई कचरा वगैरह अंदर ना पड़े, ठीक? तो हम इसको चलते हैं अभी हवा लगाने के लिए। इसको थोड़ा सा मैंने डीजल के अंदर कर दिया है और अभी इसको हवा लगाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से लगाते हैं एक बार देख जरूर लेना ये, और इसके बाद में फिर ये वाला ये इसके ऊपर लगाना है, और सबसे लास्ट में ये जो बोल्ट है इसको इस तरह से डालेंगे हम ऐसे। और अभी इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर दो तीन रिंगे लगी हुई होती है और ये देख सकते हो, एक ये ध्यान रखना है और एक यहाँ पर नीचे की साइड बनी हुई है, अंदर की साइड रिंग आती है, देख सकते हो ये जो लगी हुई है इस साइड में। ये जो किनोर होती है ना अंदर की, यहाँ पर एक रिंग आती है जो कि अभी यहाँ दिख रही है, देखो ये, और एक ये ऊपर की रिंग और एक ये रिंग, तीनों रिंगों का अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और फिर इसको सेट करना है। अभी हमारी हवा तो लगा चुके हैं और इसको उस तरह से वापस सेट कर देना है, इस रिंग का ध्यान में रखना है, इस रिंग का, ठीक है? ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ठीक है? अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग को हम यहाँ पर रखेंगे और स्प्रिंग जो है इसको सेट कर देंगे, ठीक? किसी तरह भी सेट कर लो, चारों बोल्ट एक साथ इसको घुमा के करो, चाहे कैसे करो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको फटाफट से बंद कर लेता हूँ और नट बोल्ट लगा देता हूँ।